तो एग्जांपल है एक मास एम और सेकंड मास के टाइम्स एम, फर्स्ट मास इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ यू एंड सेकंड इज लाइंग एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब यू टू क्या हो जाएगा जीरो और यू वन क्या हो जाएगा यू। तो ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या हुआ, कोलिजन हो गई, आफ्टर कोलिजन इनकी कोलिजन हो गई m एंड k टाइम्स m, आफ्टर कोलिजन m की वेलोसिटी मान लो v1 हो गई पता नहीं कितनी और k टाइम्स m की v2 होगी ये भी पता नहीं कितनी होगी, होगी v1 v2 जो होगी होगी, v1 v2 हम निकाल भी सकते हैं, बड़े बड़े फॉर्मूलाज है हमारे पास v1 v2 निकालने के, ठीक है। सिचुएशन है, क्वेश्चन है फाइंड फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय एम, एम पार्टिकल ने कितनी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर दी एम टू को, नहीं कोलिजन में वर्क डन नहीं निकलते दोस्त, खत्म हो गया वर्क डन। कोलिजन में तुम्हें आज की डेट में कुछ नहीं आता, सिर्फ v1 v2 निकालना आता है और काइनेटिक एनर्जी की बात है तो हाफ एम वी स्क्वायर बस, इसमें तो शुक्र कर वर्क डन खत्म हो गया, इसमें तो बहुत बढ़िया हो गया, v1 v2 के फॉर्मूले लगेंगे। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि जब ये इससे टक्कर मारेगा तो इसके पास तो कुछ ना था, ये तो आराम कर रहा था, तो इसने जब इसे टक्कर मारी तो कुछ एनर्जी तो ट्रांसफर की, ट्रांसफर की कितनी की, हाफ हाफ एम यू वन स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। ओके कोई और आंसर, कोई और आंसर, हाँ हाँ बोल बोल, हाफ के एम इंटू वी टू स्क्वायर, के एम नहीं एम कैसे, इसकी वेलोसिटी है ना वी टू तो उसकी तो है ही नहीं, वर्क नहीं थ्योरम क्यों लगेगी इसमें, जरूरत क्या है वर्क डन की तुम्हें निकालने, ना तुम्हें फोर्स दे रहा है वो कुछ दे तो रहा नहीं, कोलिजन के अंदर वर्क नहीं थ्योरम की जरूरत नहीं होती। अच्छा चलो मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा और आसान तरीके से पूछ लेता हूं, मेरे को ऐसा बताओ टक्कर से पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी 100 जूल, हाफ एम यू स्क्वायर करके 100 जूल, इसके पास क्या थी जीरो, टक्कर के बाद मान लो इसके पास 20 रह गई इसके पास 80 रह गई, ठीक है बताओ कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो गई, एक ने दो बॉडी को कितनी एनर्जी ट्रांसफर की 80 की, कैसे पता लगा जब आपने इस बॉल से पूछा कि तेरे को कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, इसने कहा देखो मेरे पास तो कुछ था नहीं और आज मेरे पास कितनी है 80 तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई 80, और जब फर्स्ट बॉल से पूछोगे तो तुम भी ठीक बोल रहे थे, फर्स्ट बॉल क्या कहेगी देखो पहले कितनी थी 100 अब कितनी रहेगी 20 तो बाकी कहाँ गई ट्रांसफर हो गई 100 माइनस 20 यानी कि 80, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। तो एनर्जी ट्रांसफर निकालने के हमारे पास कितने तरीके हैं, दो, चाहे फर्स्ट बॉल से निकलवा लो चाहे आप सेकंड से निकलवा लो, सेकंड से ज़्यादा आसान है निकालने। तो अगर मैं पूछूं कि फ्रैक्शन कितनी ट्रांसफर हुई तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई 80 और डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है 100, कैसे निकाली, या तो इसे और इसे ऐड कर दिया तो भी टोटल एनर्जी आ गई या इसे और इसे ऐड कर दिया, ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसके बाद तो कुछ था ही नहीं तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 100। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर समझ में आई बात, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कितनी फ्रैक्शन ट्रांसफर हुई। अब ध्यान से देखना जब आपने बोला था 80 तो ऐसा 80 तो एग्जाम्पल था, सीधा बोलो हाफ इंटू कितना के एम इंटू वी टू स्क्वायर, समझ में आ रहा है यहाँ तक 80 कहाँ से आया, हाफ के एम इंटू वी टू स्क्वायर, तो दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, कोई डाउट इसमें। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालने के दो तरीके हैं, या तो इसे और इसे ऐड करें या इसे और इसे ऐड करिए, कर लेते हैं तो क्या आएगी टोटल एनर्जी में हाफ एम इंटू U1 स्क्वायर, टोटल एनर्जी में सिर्फ इसकी एनर्जी ले लो, इसकी तो एनर्जी है ही नहीं तो सिंपल क्या लिख लेंगे हाफ एम यू वन स्क्वायर, तो दिस इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, कोई डाउट इसमें।
तो कैसे ये वैल्यूज को लिखा गया, समझ में आ रही है यहां तक बात कि कौन सी वैल्यू कब लिखनी है। तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, इतनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, टोटल कितनी थी इन दोनों का सम, अभी इसके बाद तो है ही नहीं, तो हाफ एम यू वन स्क्वायर। चिंता ना करो, रेस्ट पे ही है इस क्वेश्चन में, नहीं होगी तो ऐड कर देना, कोई बात नहीं, हम कुछ और टेक्निक लगाएंगे। हाँ इस क्वेश्चन में ये ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। चलो एक काम करते हैं, इसमें ये रेशियो तो आ गई, हाफ से हाफ क्या हो जाएगा कैंसिल, एम से एम भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो के इंटू वी टू स्क्वायर बाय यू वन स्क्वायर। एक काम करते हैं, हम इसमें वी टू का फॉर्मूला लिखते हैं, वी टू का फॉर्मूला था एम टू माइनस एम वन इंटू यू टू बाय एम वन प्लस एम टू प्लस टू एम वन यू वन बाय एम वन प्लस एम टू। अब इसमें यू टू क्या है, जीरो, ये पूरी टर्म उड़ के क्या हो गई, जीरो, यू टू जीरो है, और वी टू की वैल्यू, और यहां पर वी टू की वैल्यू क्या आएगी, टू एम वन की जगह एम, यू वन की जगह यू, यू वन ले लो कोई बात नहीं, एम वन की जगह एम, एम टू की जगह के एम, एम कैंसिल हो गया तो आपके पास आएगा टू यू वन बाय के प्लस वन, वी टू आ गया। इस वी टू को यहां पे पुट कर देते हैं तो क्या आंसर आएगा, के बाय यू वन स्क्वायर, वी टू स्क्वायर का मतलब फोर इंटू यू वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय के प्लस वन का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया, फोर के बाय के प्लस वन का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो ये सारा, और इसको फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर लेना, इस फॉर्मूले को कि फ्रैक्शन एनर्जी ट्रांसफर करने का ये फॉर्मूला है।